बोल रहा है एनी पॉइंट एक्स कॉमा वाई ऑफ अ कर्व, ओके कोई बात नहीं, चलो एक कर्व बना लेते हैं, ठीक। इस कर्व पे कोई पॉइंट एक्स कॉमा वाई है, ठीक है। तो एट एनी पॉइंट एक्स कॉमा वाई ऑफ अ कर्व द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, यानी कि यहाँ हमको एक क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो यहाँ एक एक्स कॉमा वाई पर एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, और इस टेंजेंट का जो स्लोप है, सुनो टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, डीवाई बाई डीएक्स, है ना। इस टेंजेंट का जो स्लोप है dy by dx, यही जो dy by dx है ना, यही क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, कहाँ, एट द पॉइंट x कॉमा वाई, ओके। तो क्या कह रहा है कि एट एनी पॉइंट x कॉमा वाई ऑफ अ कर्व द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब टू टाइम्स, इज ट्वाइस, यानी कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू द टू टाइम्स ऑफ समथिंग, टू टाइम्स ऑफ व्हाट, टू टाइम्स ऑफ द स्लोप, ध्यान से समझो जरा, टू टाइम्स ऑफ द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट टू द पॉइंट दिस, मतलब इस टेंजेंट का जो स्लोप है ना वो टू टाइम्स है, किसके, उस लाइन सेगमेंट के स्लोप के टू टाइम्स है जो लाइन सेगमेंट किससे किससे मिलके बना होता है, एक तो माइनस फोर कॉमा माइनस थ्री से, और दूसरा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मीन्स व्हाट, एक्स कॉमा वाई, समझिएगा बात को, एक्स कॉमा वाई और दूसरा पॉइंट है, मैं ना ब्लू पेन से कर रहा हूँ, थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा प्लीज, ये एक्स कॉमा वाई जो कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, इसको हम ज्वाइन करें किससे, अगर माइनस फोर कॉमा थ्री से, देखिए माइनस फोर कॉमा फील भी आना चाहिए, तो उसके लिए मैं कैसे बनाऊं, चलो ऐसे बना देता हूँ, ये यहाँ है माइनस यहाँ कहीं है, आप मैंने रफ डायग्राम बना रहा हूँ बस समझाने के लिए, ये माइनस फोर कॉमा माइनस थ्री है, समझो ये जो ब्लू कलर से मैंने बनाया ना नया लाइन सेगमेंट, इसी लाइन सेगमेंट की बात कर रहा है वो, पढ़ो जरा क्या कह रहा है, यहाँ से पढ़ो, यहाँ से पढ़ो यार, रुको यहाँ से पढ़ो, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द पॉइंट माइनस फोर कॉमा थ्री, यानी कि आपको एक लाइन सेगमेंट पहले तो बनाना है जो किसको किसको ज्वाइन कर रहा हो, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एक्स कॉमा वाई, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट था, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट किसका, जो पुरानी वाली टेंजेंट थी जो ब्लैक कलर से बनाया उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ये रहा, अरे यार सुनो ये कर्व है, ठीक, ये पुरानी वाली टेंजेंट है, ठीक है, और ये नई वाली लाइन है, न्यू लाइन सेगमेंट है, न्यू लाइन सेगमेंट है जो किसको किसको मिलाने से बनती है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, कौन सा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, वो वाला पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जहां पर पुरानी वाली टेंजेंट कर्व को टच कर रही थी, वो वाला पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो जो नया लाइन सेगमेंट ब्लू कलर से बनता है ये माइनस फोर कॉमा माइनस थ्री और एक्स कॉमा वाई, यानी कि पुराने पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को जोड़ने से बनता है। अब समझो ये जो लाइन सेगमेंट आपके पास नया है, तो यही जो न्यू लाइन सेगमेंट है ना, इसका स्लोप आपको यहां भरना है भाई, स्लोप ऑफ न्यू लाइन सेगमेंट, बस इसका लैंग्वेज कठिन है और इसमें कुछ है नहीं। अब आप क्वेश्चन पढ़ो और आंसर मिला लो, पढ़ो क्या कह रहा है, कह रहा है कि द कर्व ऑफ द टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ, तो ये कर्व ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल्स टू ट्वाइस द, ट्वाइस ऑफ व्हाट, ट्वाइस द स्लोप ऑफ द, किसका स्लोप लेना है, उस लाइन सेगमेंट का स्लोप लेना है, ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एक्स कॉमा वाई एंड पॉइंट माइनस फोर कॉमा माइनस थ्री। तो सुनो अब इसका मैं आपको फील कराऊं, फील इस तरीके से होगा, समझिए जरा बात को, समझिए जरा बात को, ये देखिए ये रहा टेंजेंट, ये रहा टेंजेंट और ये रही एक्स एक्सिस, ठीक, और ये रही आपकी लाइन सेगमेंट। फील कराने के लिए एक ऐसा डायग्राम बना, ये रही लाइन सेगमेंट जो कि किसको ज्वाइन करने से बनती है, एक्स कॉमा वाई और कहीं पर माइनस फोर कॉमा माइनस थ्री, इसको ज्वाइन करने से बनती। तो टेंजेंट का जो स्लोप है ना वो लाइन सेगमेंट के स्लोप का टू टाइम्स है, यानी कि टेंजेंट यदि, ये रफ डायग्राम है दिल पे मत लेना, ठीक है, लाइन सेगमेंट का एक्स एक्सिस से झुकाव, स्लोप का मतलब क्या होता है झुकाव, लाइन सेगमेंट का एक्स एक्सिस से झुकाव यदि थीटा है ना, तो टेंजेंट का झुकाव कितना होगा,
टू टाइम्स ऑफ थीटा, यही बात यहाँ पर बोली जा रही है। स्लोप ऑफ द टेंजेंट ये रहा, और ये टू टाइम्स है किसके, स्लोप ऑफ द न्यू लाइन सेगमेंट के। ठीक है, बहरहाल इसका कुछ लेना देना आपको यहाँ पर है नहीं, तो ये बस मैंने आपको फील कराया था। अच्छा अब एक बात बताऊँ, टेंजेंट का तो स्लोप आपको पता है डी बाई डी एक्स, क्या न्यू लाइन सेगमेंट का आप स्लोप निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। जब आप स्लोप ऑफ द न्यू लाइन सेगमेंट निकालोगे भाई, तभी तो यहाँ फिल करोगे, तभी तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। तो स्लोप कैसे निकलता है, देखिए दो पॉइंट दिए हुए हैं, दो पॉइंट की हेल्प से स्लोप निकालना आता है बच्चों, बिल्कुल आता है। कैसे, अगर मैं इसको मान लूँ एक्स वन कॉमा वाई वन, और इसको मान लूँ अगर मैं दूसरा जो पॉइंट है इसको मान लूँ एक्स टू कॉमा वाई टू, तो हमने स्लोप का फॉर्मूला दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन के स्लोप का फॉर्मूला हमने क्लास इलेवेंथ में पढ़ा था। क्या कहता था, कहता था स्लोप पासिंग थ्रू टू पॉइंट, स्लोप ऑफ द लाइन विच इज पासिंग थ्रू टू पॉइंट इज गिवन बाय वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक है, तो कर दीजिए। अब कुछ बच्चे बोलेंगे इसको एक्स टू वाई टू, उसको एक्स वन, अरे यार किसी को भी ले लो, आंसर आ जाएगा, टेंशन ना लो। मैंने इसलिए इसको एक्स टू वाई टू लिया है कि वाई टू माइनस जब वाई वन करो तो माइनस साइन चेंज हो जाए। ठीक है, तो यहाँ अब हमारा निकलने आ रहा है स्लोप ऑफ न्यू लाइन सेगमेंट। आइए मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पर स्लोप ऑफ न्यू लाइन सेगमेंट, और आप यहाँ लिखेंगे विच इज पासिंग थ्रू माइनस फोर कॉमा, विच इज पासिंग थ्रू माइनस फोर कॉमा माइनस थ्री एंड एक्स कॉमा वाई। मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लिखोगे। ये स्लोप हम कैसे देंगे, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। वाई टू की जगह क्या रखोगे, वाई माइनस वाई वन की जगह माइनस थ्री, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, वाई टू माइनस वाई वन माइनस माइनस प्लस अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, यानी कि एक्स माइनस माइनस फोर तो प्लस हो जाएगा। ये आ गया स्लोप। बस अभी जो कंडीशन दी थी यहाँ फिल कर दो, क्या स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट यानी कि डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू टू टाइम्स स्लोप ऑफ द न्यू लाइन सेगमेंट विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एंड माइनस फोर कॉमा माइनस थ्री। तो ये अला यहाँ फिल कर देंगे y प्लस थ्री अपॉन एक्स प्लस फोर। अब क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगा लेंगे और इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले इतना स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए, वहाँ आप सब समझ लीजिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए क्योंकि अभी मैं उसको हटा दूँगा। ठीक है, अब देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे ब्रैकेट ऊपर लगाओ नीचे लगाओ, इस डी एक्स को इधर भेज दो और वाई प्लस थ्री को नीचे भेज दो, तो हो जाएगा डी वाई अपॉन वाई प्लस थ्री इज इक्वल्स टू टू, और इधर आ गया डी एक्स और वन अपॉन एक्स प्लस फोर, ऐसा कुछ आपके पास बच जाएगा, या टू अपॉन एक्स प्लस फोर, टू अपॉन एक्स प्लस फोर, डी एक्स इधर वाई प्लस थ्री, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। बस अब इसका तो आता है सबको करना, अभी भी किया था ना सब्सटीट्यूशन करवा के, तो वन अपॉन वाई प्लस थ्री का क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ वाई प्लस थ्री इज इक्वल्स टू टू, तो कॉन्स्टेंट है, और वन अपॉन एक्स प्लस फोर का क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस फोर, और यहाँ का इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट मिलके एक आर्बिट्री कॉन्स्टेंट सी बना देगा। ठीक है, अब मैंने आपको सजेस्ट भी किया था जब आपको लॉग लॉग दिखे। अच्छा एक चीज़ और सजेस्ट करता हूँ इस क्वेश्चन में स्टूडेंट, सुनिए इंपॉर्टेंट बात है, देखिए यहाँ आंसर लॉग में आ रहा है, यहाँ लॉग में आ रहा है, तो जो कॉन्स्टेंट आया ना, जब ऐसी स्थिति हो कि इधर भी लॉग हो इधर भी लॉग हो, देखो अगर यहाँ कोई मान लो जैसे थोड़ी देर के लिए मान लो यहाँ अगर y प्लस एक्स होता पुराने क्वेश्चन की तरह, तब तो c को इधर ले आते लॉग को एक तरफ कर देते, लेकिन अगर आपको सिर्फ लॉग इधर भी मिले साथ में एक आर्बिट्री कॉन्स्टेंट मिले, तो पता है क्या किया करो, इस आर्बिट्री कॉन्स्टेंट को आप c मत लिखा करो, इस आर्बिट्री कॉन्स्टेंट को आप c मत लिखा करो, इसको आप लॉग c लिखा करो। अब बोलेंगे ये क्या बात हो गई भाई, सुनो बात तो हो गई, देखो ये जो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है ना भाई, ये किसी नंबर मान लो ये आर्बिट्री कॉन्स्टेंट स्मॉल c था, मान लो ये स्मॉल c था, इसको हमने लॉग ऑफ कैपिटल c लिख दिया, ये जो स्मॉल c है ये किसी कैपिटल c का ही तो लॉग होगा। हम सोच सकते हैं ना कि ये जो c आया है ये किसी c का लॉग, किसी ये जो c आया है ये किसी नंबर का ही लॉग लेके तो आया होगा, तो सपोज वो नंबर क्या है, कैपिटल सी है, तो इसकी जगह हम लॉग सी लिखा करेंगे। ठीक है, ऐसा करने से क्या फ़ायदा है, ऐसा करने से ये फ़ायदा है कि सब तरफ लॉग लॉग का बन गया और आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे देखो, ये हो जाएगा लॉग वाई प्लस थ्री इज इक्वल्स टू, अब टू को यहाँ ऊपर भेज सकते हो पिछले क्वेश्चन की तरह, तो लॉग ऑफ एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर और प्लस लॉग सी। ठीक है,
इतना कॉपी कर लीजिए पहले, कर लिया। चलो अब इसको लेफ्ट में ले आओ, तो ये हो जाएगा लॉग वाई प्लस थ्री माइनस लॉग एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू लॉग सी। ओके नाउ लॉग एम माइनस लॉग एन क्या हो जाएगा, लॉग एम अपॉन एन इज इक्वल्स टू लॉग सी। ओके ऐसा हो गया। अब देखिए आपको यहाँ पर कुछ कंडीशन दी होंगी और उस कंडीशन को हम यहाँ पुट करते हैं। ओके तो कंडीशन क्या दी है कि कर्व कहाँ से पास करता है, माइनस टू कॉमा वन से, यानी कि एक्स का वैल्यू माइनस टू और वाई का वैल्यू हमको वन पुट कर देना है यहाँ पर। आइए करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अच्छा उससे पहले मैं तो ये बोलूँगा ना कि मैं तो ये बोलूँगा कि इसको ना आप e की पावर में भेज दीजिए तब ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि e पावर में भेज दोगे तो लॉग हट जाएगा। ठीक है या रहने देते हैं। चलो मैंने ना यहाँ से स्टूडेंट्स रब कर दिया है, बट आप अगर ध्यान दें तो यही आपका सॉल्यूशन था। इसको वन मान लो यार, इसी को अलफड़ा मत कर दो। ठीक है इसको वन मान लो, जब ये लॉग एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर इधर था ना यार, इसको देखो, इसको इससे पहला लस चप गया था, लॉग वाई प्लस थ्री इज इक्वल्स टू ये उधर था, तो लॉग एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर का ये टू वापस आगे आ जाएगा। ध्यान रहे इसको तो बेवजह हमने रब कर दिया, ये इसको मान लो वन, यही आपका जनरल सॉल्यूशन है। इसी में हमको आर्बिट्री कांस्टेंट लॉग सी की वैल्यू डालनी है, लॉग सी की वैल्यू डालनी है। तो ये जो इक्वेशन आई है ना सॉल्व करके, इसमें एक्स का वैल्यू माइनस टू रखो और वाई कितना रखो वन, तो वाई की जगह वन रखोगे, वन प्लस थ्री फोर अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी रखनी है माइनस टू, माइनस टू प्लस फोर टू हो जाएगा और टू का स्क्वायर फोर इज इक्वल्स टू लॉग सी। ओके तो ये हो गया, अब फोर से फोर कट गया और यहाँ आ गया लॉग वन इज इक्वल्स टू लॉग सी। अगर आप चाहो तो चाहो क्या, लॉग वन की वैल्यू कितनी आएगी ज़ीरो, तो लॉग सी कितना आ गया आपका ज़ीरो। ओके तो लॉग सी ज़ीरो आ गया, उठा के ले आके इक्वेशन नंबर वन में पुट कर दीजिए, तो आपका जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आएगा वो आएगा लॉग वाई प्लस थ्री इज इक्वल्स टू टू लॉग एक्स प्लस फोर, और ये लॉग सी का वैल्यू कितना होगा ज़ीरो, तो उसको मैंने लिखा नहीं। दिस इज़ योर आंसर स्टूडेंट्स, लेट मी चेक इट कि यही आ रहा है एनसीईआरटी में, हाँ यही आ रहा है। ठीक है ना, बस अब क्या किया है इन्होंने मैं आपको बता देता हूँ, समझिए ना। एक चीज़ और बता दूँ, ये टू को वापस ऊपर भेजोगे, देखो यहाँ कर देता हूँ, लॉग y प्लस थ्री इज इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस फोर की पावर टू। अब सुनो स्टूडेंट, कभी भी ऐसा दिखे ना लॉग a इज इक्वल्स टू लॉग b, तो लॉग से लॉग हटा दिया करो, जो बच जाए उसको इक्वल कर दो। ठीक तो ये देखिए, अब ये लॉग लॉग इधर दिख रहा है, इसको हटा दो, इसको एंटी लॉग लेना बोलते हैं। ठीक है लॉग से लॉग ऐसा हटा दो, काटना नहीं है, बस छुपा लो, और अगले स्टेप में सीधे y प्लस थ्री इज इक्वल्स टू एक्स प्लस फोर की पावर टू, यही आपका आंसर है। लेकिन ध्यान रहे स्टूडेंट्स, यहीं पे लॉग से लॉग हटा देते हैं, यहाँ क्यों हटाओगे, लॉग के आगे कोई नंबर नहीं होना चाहिए, पहले इसको पावर में भेजो फिर लॉग से लॉग हटाओ, y प्लस थ्री इज इक्वल्स टू एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर, दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कर्व। ओके स्टूडेंट्स चलिए फिर मिलते हैं।